मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को 1500-1500 रुपए की गारंटी के सरकारी फॉर्म लाहौल स्पीति में अप्रैल से लेकर 10 महीने का 15,000 रुपए महिलाओं के खाते में आ गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के पास जाकर फॉर्म को रोकने की शिकायत की थी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि को रोकने की भाजपा के नेताओं ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव आयोग के समक्ष कहा कि किसान सम्मान निधि जब जारी है तो हिमाचल में महिला सम्मान निधि क्यों जारी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि इस पर इलेक्शन कमीशन ने इस योजना को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। देखिए, अभी जो आज चुनाव आयोग का फैसला आया है कि 1500 रुपए वाले जो सरकारी जो फॉर्म है, जो कि लाहौल में स्पीति में अभी महिलाओं के खाते में अप्रैल से लेकर 10 महीने का 15,000 रुपए आ चुका है, और ऐसे में जो पूरे हिमाचल में जब इसको लागू किया गया तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता, ये दल बल सहित सरकार के जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास गए कि इन फार्मों को तुरंत रोका जाना चाहिए। पहले तो ये कहते थे कि ये जो महिलाओं को समान जो प्यारी बहना इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि वो लागू नहीं हो रही है, जब लागू करने लगे तो उन्होंने उसको जाकर रोका। आज जबकि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पास कहा कि जब किसान सम्मान की निधि जारी है तो महिला सम्मान की निधि क्यों नहीं जारी होनी चाहिए, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा तमाचा उन ताकतों को लगा है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता और पूरा विपक्ष, उन्हें जो 1500 की महिलाओं को मिलना था उसे जो रोकने का उन्होंने काम किया था। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पिछले कल ही कहा था कि हम पिछले 2 महीने का बैक डेट से महिलाओं को ये जो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा अप्रैल से लेकर, तो ऐसे में मैं समझता हूँ अब ये चुनाव के जो वक्त में भी ये कार्यवाही जारी रहेगी, फॉर्म भरे जाएंगे। बिल्कुल सही, एक घर में 4 महिलाएं पात्र होगी, जो मैं कहता था 1 होली 2 होली 3 होली 4 होली 4 तक सबको मिलेगा। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चेहरा है, जो ओपीएस के खिलाफ ये बात करते थे, जो हमारे स्टार्टअप प्रोग्राम हमने लागू किया है, आज दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 35 रुपए हो गया और ये आस्ते आस्ते निरंतर बढ़ता जाएगा जब तक कि 100 रुपए नहीं हो जाता, ये सारी बातें कांग्रेस ने की है। अगर पीछे त्रासदी ना आई होती और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने हमारा साथ दिया होता तो ये स्कीमें आज से 6 महीने पहले लागू हो गई होती। शुक्र है कि अभी भी जो है अभी ये महिलाओं को मान सम्मान निधि ये शुरू हो जाएगी और अप्रैल महीने से बैक डेट से इन्हें ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।